संकट में आप लोगों के बीच में आने का और आप लोगों ने इस तरीके से जो मुझे प्यार किया है, हम लोग बस इसी प्यार के भूखे हैं। और मैं बार बार सबको यही कहती रहती हूँ, आप प्यार ऐसे देते रहोगे तो एक बहुत बड़ा कर्ज अपने प्यार का हमारे कंधे के ऊपर डालते रहोगे। और मैं कितनी भी कोशिश करूँ जिंदगी भर, मैं नहीं समझती हूँ कि इस कर्ज को उतारने का मेरे पास मौका होगा। जब सेवा का मौका मिलेगा तो इसको पूरी तरह से उतारने का काम करूंगी। ये सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि आज राजस्थान के अंदर 4.5 साल इस सरकार के होने के बावजूद हमारे कोई भी काम नहीं हुए। और सबसे खराब बात तो यह है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनको हमें मिलना चाहिए था, वो मूलभूत सुविधाएं हम लोग किसी को नहीं मिली। रस्ते भर में लोगों से पूछते मैं आ रही हूँ, तो पिंडवाड़ा हो गया, उसके पहले स्वरूपगंज हो गया, उसके पहले आबू रोड हो गया, जगह जगह पे मेरे लोगों ने वही बात कही कि सबसे पहले आप ये सब चीजों को छोड़ो, हमको अपने पानी का इंतजाम कर दो। ये सब महिलाएं मेरे को कहती है, आप पानी का इंतजाम करो, बिजली का इंतजाम करो, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हमारा काम कर दो तो हम अपनी जिंदगी निकाल सके, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ जब सिरोही जिले का पता किया तो मेरे 84 गाँव ऐसे थे जिनके लिए हमारी सरकार ने 700 करोड़ की नर्मदा योजना बनाई थी। आपको याद है ना सबको, 84 गांव के लिए योजना बनाई थी। इस सरकार ने आते ही इस योजना को रोक दिया। और मैं आपको सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार अपनी आती है तो इस दिशा के अंदर जो बड़ा प्लान है नर्मदा का, उसके अंदर काम करने का काम हम लोग शुरू करेंगे ये सरकार आते ही। सिरोही जिले के अंदर सबसे मुसीबत वाली बात तो वो है कि फ्लोराइड युक्त पानी का संकट है। सिरोही विधानसभा क्षेत्र के अंदर आधे से ज्यादा गांव में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। हमारे समय में शिवगंज और सिरोही को तो अपने स्वच्छ पानी पिलाने के लिए शिवगंज के अंदर फिल्टर प्लांट लगाने का की बात की थी और आज वो भी बंद कर दिया गया है, अभी बंद पड़ा है। सिरोही जिला मुख्यालय पर 2 दिन में एक बार पानी आता है, क्या ये सही है? 2 दिन में एक बार पानी आता है और मैं ये देख रही हूँ कि वो भी आधा और एक घंटे के लिए, और दूषित पानी पीने को लोग मजबूर हैं, ऐसा आज 65 साल के लोकतंत्र के बाद क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए क्या? मैं आदमी साफ पानी नहीं पी सकता इतने साल निकलने के बाद भी, तो लानत है ऐसी सरकार पे जो ये छोटे छोटे काम हमारे नहीं कर सकती है, उसको उस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये तो पानी की बात हुई, अब आ जाओ आप लोग सही बांध के रिजर्व पानी का लाभ सिरोही जिले को मिले, ये आप लोग सबकी मांग है। मैंने सब लोगों को ये कह दिया है कि अपन होते ही आते ही उस फाइल को देख के सही बांध के रिजर्व पानी को यहाँ तक ला सकते हैं तो जरूर लाने का काम करेंगे। है आपके साथ बात होगी, ये पानी भी आपका है, ये पैसा भी आपका है, ये प्रदेश भी आपका है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं उन सब चीजों को आगे बढ़ाने की अपने को कोशिश होगी। जहाँ आदमी फ्लोराइड और दूषित पानी पीता है उसके लिए तो हमें कोशिश डबल करने की जरूरत होगी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपना ये काम होगा। शहर और ग्रामीण इलाकों के अंदर बिजली की नियमित वैसे ही 2 घंटे कटौती है, क्या ये सही है? 2 घंटे कटौती है और 4 घंटे अघोषित कटौती है, तो दिन में तो 6 घंटे तो आपके वैसे ही कटौती में निकल गए। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सिंगल फेज की बिजली माताएं बहने खाली 10 घंटे या 12 घंटे आती है, क्या ये सही है? आपके लिए मैंने अलग से लाइन ये दी इसलिए थी कि आप लोगों को घर में 24 घंटे बिजली मिले, परंतु ये नहीं मिल रही है। हमारी सरकार आएगी तो माताएं बहने सबसे पहले आप लोगों को वो 24 घंटे घरेलू बिजली देने का हम काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिला रहे हैं। किसानों की बिजली मुश्किल से 4 घंटे अभी मिल रही है, ये सब किसान भाई बैठे हुए हैं, मैं जानती हूँ कि उनको बिजली की जरूरत भी पड़ती है, परंतु 4 घंटे क्या काम होता है, और वो भी ट्रिपिंग के साथ, और उसके साथ साथ ढाणियों के अंदर कनेक्शन नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोगों ने अपने कनेक्शन के डिमांड नोट जारी मैंने बना के रखे हुए, पैसे भी डर जमा कर दिए हैं, परंतु उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जर्जर स्थिति पूरे राजस्थान के अंदर बिजली की है, और ये अब चुनाव का टाइम आ गया है,
तो आप लोग के बीच में ये सब बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वो घोषणा की थी कि जिन लोगों ने VCR बनाया और अगर वो अन्यायपूर्वक तरीके से आप लोगों से पैसा ले रहे हैं तो उनकी जांच कराई जाएगी, उनको दंडित किया जाएगा, उनके पैसे लेके उनको वापस करा दिया जाएगा। तो मैंने देखा कि अशोक गहलोत जी ने भी वही घोषणा कर दी। आजकल तो घोषणा मुख्यमंत्री बन गए, घोषणा मुख्यमंत्री, रोज रोज घोषणा, उनकी क्रियान्वयन की चिंता नहीं है। मैं सोच लिया कि हम घोषणा कर लेंगे सब काम हो जाएगा। आज आपको ये भी मालूम है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि CFL आप जाके दो दो CFL ले सकते हो। अब CFL भी ऐसे घटिया क्वालिटी की CFL कि एक बार ले जाए 5 मिनट के अंदर ही वो फ्यूज हो गई, ऐसे तो CFL दे रहे हैं। भ्रष्टाचार फैला हुआ है सब दूर, एक CFL के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं छोड़ सकते। तो आप समझिए कहां से कहां माफिया बन गई, भू माफिया, पानी माफिया, BPL माफिया, माफियाई माफिया सब दूर पड़ गए और सब लोग मिलके पैसा कमा रहे हैं। और माता बहने, मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके कैसे प्रदेश नहीं चल सकता है। इस प्रदेश को अगर बचाना है तो इन लोगों को वहां से हटाने की हम लोगों को पूरी ताकत से काम करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों से पता किया कि आपके अस्पताल की क्या स्थिति है, तो मेरे को ये बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जोरदार कमी है। उपचार के लिए कहाँ जाना पड़ता है, जोधपुर जाओ, पाली जाओ, पालनपुर जाओ, आप कह रहे हो कि बिल्कुल ही खाली है। मैंने तो ये बोला कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल पूरा खाली पड़ा है। सरकार क्या इससे और क्या ज्यादा आप कर सकते हैं, इतनी बड़ा इतना बड़ा शहर है ये, इतने बड़े शहर के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी विशेषज्ञ नहीं। और आप जा रहे हो, अब आप जा रहे हो गुजरात में, आप जा रहे हो पालनपुर और अहमदाबाद में, और वहाँ जाके आप लोग अपना उपचार करके आ रहे हो। आप लोग सब उपचार करके वापस वहाँ से लौटते हो, कितनी शर्म की बात है। मैं सबको कह दिया कि क्योंकि ये इलाका लगा हुआ है गुजरात से, तो हमारी बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि वहाँ सब लोग देख के आते हैं कि गुजरात के अंदर कितना अच्छा काम चल रहा है और यहाँ आके ये कहते हैं कि ये सरकार क्यों नहीं कर रही। अब आपने मुझे 5 साल दिए थे और मैंने आपको ये कहा था कि मैं इस प्रदेश को गड्ढे में से निकाल के एक दफा रख दूंगी, और मैंने ये कोशिश करके आपका बीमारू प्रदेश अपने पैर पे खड़े करने का काम किया। अब 5 साल के बाद ये सरकार आई तो इस सरकार ने उसको 10 साल पीछे करके छोड़ दिया है। आज हम लोग वापस आएंगे सरकार के अंदर तो हम लोगों को सबको मिलके फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के ये काम नहीं हो सकता है। वहाँ आपने देख लिया नरेंद्र भाई को 15 साल में क्या काम करके नरेंद्र भाई ने, तो पूरी दुनिया जानती है कि गुजरात क्या है। और इसी तरीके से शिवराज सिंह जी ने 10 साल के अंदर जो काम किया, 10 साल के अंदर शिवराज जी को जो काम करना था वो इतना अच्छा काम किया कि मध्य प्रदेश दूर से दिखाई देता है। इसी तरीके से छोटा सा छत्तीसगढ़, वो भी दूर से दिखाई देता है। मैं इसलिए कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ का वो समय आया मौका जब पूरा राज्य, पूरा देश की बिजली, पूरी ग्रिड खत्म हो गई थी। जब उस दिन जब खत्म हुई तो उस दिन छत्तीसगढ़ की बिजली ने देश की जान को बचाया। ये था छोटा सा छत्तीसगढ़ प्रदेश। और मैं कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीनों प्रदेश को आप देख सकते हो और राजस्थान को देख सकते हो, जिस राजस्थान को 62 साल के बाद, मेरे 5 साल निकाल दो, भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल दो, तो 53 साल अपन ने कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने आपको गड्ढे में और गर्त में बिठा के रख दिया है। ये 53 साल अगर हम लोगों को मिलता तो राजस्थान में चमन हो जाता, ये मैं आप लोग सबको कह सकती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 53 साल को कुछ दो और वो लोग पूरी तरह से राजस्थान को खत्म करके छोड़ दो। ना बिजली है, ना पानी है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अरे खुद के मंत्री कह रहे हैं, PWD का मंत्री कहता है कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, कहता है कि सरकार भ्रष्ट है, कहता है कि पेट्रोल भी जो डाला जा रहा है इस कौन सी यात्रा में, संदेश यात्रा में, संदेश यात्रा में जो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डाला जा रहा है
वो भी पीडब्ल्यूडी के एक्सीएम और उनके परिवार के लोग डाल रहे हैं, बताओ। ये भी नहीं कर सकती सरकार, इतना भ्रष्टाचार, पूरी जमीन खा गए, बीकानेर, जैसलमेर, आपके जोधपुर, बाप, करौदी, सब पूरे इलाके के अंदर, बाड़मेर, सब पूरे लोगों को मालूम है। इधर दिखाया कि हम इधर जमीन खरीदने जा रहे हैं, हम फैक्ट्री खड़ी करेंगे, फैक्ट्री खड़ा करने का नाम नहीं, जमीन बेच बाज के खत्म करके और फैक्ट्री दूसरी जगह। इस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर आपने हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार करके रखा हुआ। सिर्फ एक ही काम है, जनता को क्या होता है वो किसी को मतलब नहीं। जनता को आज ना पानी है, ना बिजली है, ना रोजगार है, ना सड़क है। आप लोग सब मेरे को कह रहे हो कहीं सड़क नहीं है, सड़क नहीं है। और आप लोगों के ना डॉक्टर है, ना टीचर है। विकास दर राजस्थान का आज 5% हो गया है। बिहार जो हमारे पीछे था, बिहार का 16% विकास दर, उनका 16%, हम 5%। वो राजस्थान जिस राजस्थान को लोग मानते थे एक ऐतिहासिक प्रदेश है, आज हमारा सबका सर कलंक से झुक गया है, शर्म से झुक गया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को मिलके राजस्थान को एक फिर से बनाने का काम करना है। उसमें अकेले मेरे नहीं, उसमें आप लोग सबको जुड़ना है। तैयार हो, काम करने के तैयार हो। एक आदमी नहीं कर सकता, ये हम लोगों को सबको मिलके करना है। और अगर तैयार हो तो एक ऐसा राजस्थान बनाना है जिस राजस्थान के अंदर हमारे युवा वहाँ नहीं, पालनपुर, अहमदाबाद, गुजरात में नहीं, यहाँ राजस्थान के अंदर नौकरी पाके, रोजगार पाके यहाँ काम करें और राजस्थान को आगे विकसित करने का काम करें। ये काम हमको यहाँ करना है। यहाँ को लोगों, बच्चों को, आप लोग इतना कर ले तो इतना चिल्ला भी नहीं सकते। आप लोग रुक जाओ, दो मिनट के लिए सब लोग रुक जाओ। आपके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। पहले पढ़ाएंगे, एक कॉलेज में भेजेंगे तो स्कूल में नहीं है, टीचर नहीं है, कॉलेज में लेक्चरर नहीं है। अब पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है तो कंपटीशन में कैसे बैठेंगे? अब समझो वहां तक निकल भी गए तो सरकार ने टैक्स खड़ा कर दिया है। टैक्स का प्रबंधन करके मैंने सबको ये कह दिया है कि RPSC के द्वारा ही हमारी परीक्षा होगी ताकि हमारे बच्चों को नौकरी का काम मिले और इस तरीके से उनको इधर उधर भटकने की जरूरत न हो। ये काम हम लोगों को करना है ताकि हमारे बच्चे यहीं पढ़े, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से मैंने सबको कह दिया कि व्यवसाय, छोटी फैक्ट्री, ये सब यहाँ लगे, अभी गुजरात में नहीं। मैं देख रही हूँ कि अपनी जीरा की मंडी, अपनी इसबगोल की मंडी, ये आधे से ज्यादा सब ऊंझा चले गए। मैं ऊंझा गई थी तो मैंने ऊंझा में देखा और मुझे लगा कि ये ऊंझा में आ सकता था तो ये हमारे क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं आ सकता। अगर ये वापस हमारे क्षेत्र में आ जाता है तो हमारा बिजनेस वैसे ही टेक ऑफ हो जाएगा। इसके लिए अपने को काम करने की जरूरत है। ये सब चीज हमारे क्षेत्र में आए, वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या ये काम नहीं कर सकते? हमारी माताएं बहनों की हालत देखो, आज अत्याचार ही अत्याचार, सुरक्षित ही नहीं है, सड़क पे नहीं जा सकती, क्योंकि जाती है तो अपनी बच्चियों के ऊपर भी अत्याचार अगर हो रहे हैं तो हमारी माता और बहनों को सुरक्षा कौन देगा? आज पूरे राजस्थान का मुंह में कालिक इसलिए पुता है क्योंकि हमारी महिलाओं को हम सुरक्षित नहीं रख पाए। लोग ये कहते हैं कि घर की बरकत उसकी महिला होती है। जो लोग अपने घर की बरकत को नहीं संभाल सकते, अपनी बहन और अपनी बिटिया की इज्जत को नहीं संभाल सकते, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए क्योंकि वो हम समाज में हमारे परिवार को संभाल नहीं सकते। हमारे किसान भाई, आज इतने सारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए, आपको याद होगा मैंने क्रेडिट कार्ड का काम करवाया था। आपके भेड़ के लिए कार्ड था, आपके ऊंट के लिए कार्ड था, आपके जो गाय भैंस के लिए था उसके लिए भी कार्ड थे। मैंने ये सब काम करा के हरियाली के स्कूल को चालू कराने का काम कर दिया था जहाँ हमारे घुमंतू परिवार के बच्चों को स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। इतनी अच्छी स्कूलिंग, बच्चों को टीचर थे, मैं खुद जाया करती थी, उसको देख के आती थी। आज उसकी क्या हालत हो गई है, ना कोई टीचर है, ना कोई पढ़ाने वाला है। सब घुमंतू जाति के लोग मेरे पास आके यही बोलते हैं कि साहब इतना अच्छा स्कूल था, आज उसकी हालत है। मिड डे मील आपने देखा, 22 लोग मर गए वहां बिहार के अंदर, बच्चे मर गए। राजस्थान की हालत क्या है आप लोगों ने सबने देखा। मैं स्कूल से स्कूल जाया करती थी और देखा करती थी कि इनका भोजन कैसे है, किस तरीके से उनको दाल मिलता है कि नहीं, रोटी मिलती है कि नहीं, फल मिलता है कि नहीं, मीठा मिलता है कि नहीं। और जहां जहां होता था मैं उनके साथ भोजन भी करती थी, तभी मेरे को मालूम होता था कि ये कैसा खाना मिलता है। आज छिपकली, आज उसमें कीड़ा मकोड़ा और आपके चूहे और मालूम नहीं क्या क्या चीज उसके अंदर मिलता है। अब मैं ये कह रही हूँ कि 2-4 बच्चे वैसे भी तो उनकी मौत आ गई,
इनको खाते खाते। मैं ये कह रही हूँ कि आज के जमाने में इतनी सारी महंगाई हो गई है और एक बच्चे की डाइट 3 रुपए की है। अब 3 रुपए में मुझे बताओ आपका कोई ढाबे में कुछ खाना खा सकते हो क्या? आप लोग खा सकते हो 3 रुपए में कहीं? और खा सकते तो मेरे को भी ले जाओ, जरा खिला दो, मेरे को मालूम पड़े कि क्या खिलाते हैं 3 रुपए में। 3 रुपए के अंदर एक बच्चे को क्या खिलाया जाएगा? इसलिए आज ये हालत हो गई है कि बच्चों की डाइट और वो मिड डे मील बिल्कुल गच में चला गया। अब वहां से बच्चों को उठा के बड़ा करके, खड़ा करके, कॉम्पिटिशन में ला के पढ़ा के और उनको रोजगार दिलाने का काम है, तो ये सरकार कर पाएगी क्या? आप देख लीजिए, 2000 पटवारी की नौकरी के लिए 12 लाख आदमी ने दस्तखत किए, आवेदन पत्र भरे और 7.5 लाख लोगों ने बैठ के परीक्षा ली। क्या हालत हो गई है? हमारे समय के अंदर 10 लाख बच्चों को 5 साल के अंदर नौकरी देने का काम अगर भारी सरकार कर सकती थी तो क्यों नहीं ये लोग कर सके? इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, उनको तो जगना था खाली इलेक्शन के पहले, जो वो आज कर रहे हैं। मैं ग्रामीण सड़क की, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की हालत की भी आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जहां मैं गई हूँ वहां लोगों ने मेरे को यही कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को देख लो आप, क्या उनकी हालत है। एक आपका ये बहुत सुंदर हाईवे और दूसरा आपके ग्रामीण सड़क, जो सरकार का काम है, आराम से कर सकते थे पर नहीं किया। 2 दिन पहले जब मैं आबू जा रही थी तो मेरे को गांव मिला रास्ते में और गांव वालों ने मेरे को ये कहा कि पानी बिजली आप भूल जाइए, उसके बारे में कुछ मत कहिए, ये 2 किलोमीटर का रास्ता है गुजरात के बॉर्डर से, आप बस इस 2 किलोमीटर के रास्ते को ठीक कर दीजिए। अब मैं सोच रही थी कि खाली 2 किलोमीटर के रास्ते पे क्यों? फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि हम जब वहां जाते हैं तो उनकी बिजली, उनका पानी, उनका सरसराता हुआ रास्ता, इतना सब कुछ अच्छा है। और हमारे रिश्तेदार जब आपके गुजरात से हमारे यहाँ आते हैं तो सीधे गुजरात से हमारे राजस्थान के गड्ढे में गिरते हैं, तो हमारी इज्जत का सवाल है मैडम, अगर आपने ये सड़क 2 किलोमीटर बना दी तो हम फिर भी अपनी इज्जत को बनाए रखेंगे। हमारे रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे यार ठीक है, राजस्थान इतना खराब नहीं है, अंदर के रास्ते पे कौन दिखाने की जरूरत। मैंने वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरे को कह रहे थे कि पानी छोड़ दो, बिजली छोड़ दो, पर ये रास्ता बना दो ताकि गुजरात वाले हमें ये सोचे कि भाई ठीक है, राजस्थान भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। आज इस स्थिति पे आ गए हम। और मैं ये कहना चाहती हूँ ऐसी नहीं, हर चीज में हमको उनके साथ कॉम्पिटिशन में खड़ा हो जाना चाहिए। हमें ऐसा राजस्थान आगे चल के बनाना है जिस राजस्थान के अंदर इस तरीके का भ्रष्टाचार नहीं, आपके जेब में से पैसा निकाल निकाल के किसी और की जेब में जा रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल ही नहीं होने देना चाहिए। मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ कि ये सब आपका जेब का पैसा है जो ये 7,000 करोड़ आप लोगों के बीच में बांटे जा रहे हैं। कितने बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, आज कितना बड़ा विज्ञापन आया कि 2,58,000 पट्टे पूरे राजस्थान में उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो बसे हुए थे इतने सालों से उस जगह पे और जिनको पट्टा नहीं मिला। अभी मैं आबू से निकल के आया, आबू रोड से, तो आबू रोड वालों ने कहा कि 4-5 दिन से वहां बुलडोजर लगा हुआ है, वो पूरे के पूरे कॉलोनी को खत्म कर रहे हैं। और खत्म करने के बाद मैंने उनको यही कहा, वो 50-50 साल से वहां काबिज है। मैंने कहा वो इसलिए आपको हटा रहे हैं क्योंकि आपके हटने के बाद फिर ये भू माफिया के साथ बैठ के वो पट्टे दिलवाएंगे और यही काम है जो पूरे राजस्थान में हो रहा है। सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि अब आ गए 4 महीने बाकी, इस 4 महीने के अंदर अब आपको लुभाने का काम चालू हो गया। चलो आ जाओ पेंशन ले लो, चलो आ जाओ लैपटॉप नहीं है तो पैसे ले जाओ, आ जाओ महीना गुजारी नहीं है तो हम पैसे दे देंगे, इस तरीके से हर चीज के ऊपर पैसा। माताएं बहने आप उनसे ये प्रश्न जरूर पूछना कि भामाशाह योजना उन्होंने किया था, ये भामाशाह योजना पूरी हो जाती तो महिला द्वारा बैंक अकाउंट खुलता, उसमें 1500 रुपए भी जाते, आप लोगों को 30,000 रुपए का ये हेल्थ गारंटी भी मिलती और उसके साथ साथ आपके बीपीएल के परिवार, आपके एससी एसटी, आपकी महिला और आपके लघु और सीमांत कृषक, इन सब लोगों को फायदा हो जाता। आज 4.5 साल तक आप लोगों को फायदा मिलता नहीं मिला क्योंकि इन लोगों ने 4.5 साल तक काम ही नहीं किया। आज मैं कह रही हूँ कि नया राजस्थान बनाना है, एक अगर नया राजस्थान बनाना है तो ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे किसानों को पूरा फायदा मिले, उनको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं मिले, ऐसा किसान जिसको टाइम पे बिजली, पानी, खाद, बीज और फसल का अच्छे पैसे ये सब मिल जाए।
आज जैसे नहीं, जहां सरकार कहती है कि आपको मुआवजा आपके ओलावृष्टि पे और आपके पाला जब पड़ा तो आपको मुआवजा दिया, मिला क्या आप लोगों को मुआवजा? किसी को मिला? किसान भाई पीछे खड़े हो आप लोग, किसी को मुआवजा मिला? मुआवजा नहीं मिला। कहते हैं कि मुआवजा दिया और ये भी कहते हैं कि 150,000 रुपया का आप लोगों को कर्जा दिया, जिस कर्जे में आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। आपको मिला किसी को? आपको किसी को मुफ्त दवाई या मुफ्त जांच हुई? आपके जानवर की मुफ्त दवाई या जांच हुई? और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ना तो डॉक्टर है आपके अस्पताल में और ना पशुपालक के जो आपके अस्पताल होते हैं उसके अंदर भी डॉक्टर नहीं, उसके ऊपर ताले लगे हुए हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद लेके सोई पड़ी है, उस सरकार को क्या हमें वापस लाना है? नहीं लाना है। तो हम लोग दोनों हाथ ऊपर करके ये तय कर लें कि अब राजस्थान के अंदर एक ऐसी नई सरकार जो समृद्ध खुशहाली और मजबूत बने, ऐसी सरकार को बनाना है जिसमें 36 के 36 काम और सब मजहब साथ लेके चले। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सब साथ मिलके एक ऐसा नया राजस्थान बनाए जिस राजस्थान के अंदर हम सब लोगों के लिए एक ऐसा तगड़ा मजबूत प्रदेश हो जहाँ हमारे सबके सपने पूरे हो जाएं, ऐसा राजस्थान बनाने का काम हम लोग सफल करके आपसे शुरू करेंगे। माता जी ने आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद।